हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मार्कोव प्रोसेस और मार्कोव चेन क्या होती है ये जानेंगे, जो कि हर बार सीएसआईआर नेट के एग्ज़ाम में अप्रॉक्सीमेट 10 नंबर की पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्कोव प्रोसेस क्या होता है। मार्कोव प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम उसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि एक मैन है, वो इस पोजिशन पर खड़ा है। वो इस पोजीशन से या तो इस पोजीशन पे जा सकता है या तो इस पोजीशन पे जा सकता है। अगर वो इस पोजीशन पे गया तो इस पोजीशन से या तो वो इस पोजीशन पे जा सकता है या तो इस पोजीशन पे जा सकता है। अगर वो इस पोजीशन पे गया है तो या तो वो इस पोजीशन पे जा सकता है या तो इस पोजीशन पे जा सकता है। अगर मान लीजिए वो इस पोजीशन पे आया तो ये पोजीशन सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पहुँचा है तो ये पोजीशन सिर्फ इस पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड नहीं करेगी। इसी तरीके अगर वो यहाँ पहुँचा है तो वो ये सिर्फ इस पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड नहीं करेगी। ऐसे ही यहाँ पहुँचा है तो इस ये पोजीशन इस पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड नहीं करेगी। यानी मतलब ये हुआ कि जो आने वाला नेक्स्ट स्टेप होता है वो प्रेजेंट स्टेट पर ही डिपेंड करता है, प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। इसी प्रोसेस को हम लोग मार्कोव प्रोसेस बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग मार्कोव प्रोसेस बोलते हैं। और इस टाइप की चेन को हम लोग मार्कोव चेन बोलते हैं। एक एग्जांपल, अब डेफिनेशन की बात करें, जैसे कि दे रखा है पी एन प्लस वन इक्वल टू जे गिवेन दैट एक्स एन इक्वल टू आई एन एक्स एन माइनस आई एन माइनस वन डॉट 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 एक्स वन इक्वल टू आई एन। यानी कि जो ये नेक्स्ट स्टेप है वो अपने प्रेजेंट स्टेप पे ही डिपेंड करेगा, प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा। ये देखिए दिया हुआ है प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स एन प्लस वन इक्वल टू जे गिवेन दैट एक्स एन इक्वल टू आई एन, दैट इज द फ्यूचर वैल्यू डिपेंड्स ऑनली द प्रेजेंट वैल्यू नॉट ऑन द पास्ट हिस्ट्री। तो ये था हमारा मार्कोव प्रोसेस और मार्कोव चेन। अब हम समझते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को भी समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए एक स्टेट है, ये मान लीजिए एक्स एन स्टेट है और ये आपकी एक्स एन प्लस वन स्टेट है। ये मान लीजिए इसको वन मान लीजिए, इसको टू मान लीजिए, इसको थ्री, ये भी वन टू एंड थ्री। अब वन से वन पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन अपॉन थ्री होगी। और वन से टू पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वन अपॉन थ्री होगी। वन से थ्री पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वन अपॉन थ्री। वैसे ही टू से वन पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वन अपॉन थ्री। टू से टू पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वन अपॉन थ्री। और टू से थ्री पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वन अपॉन थ्री। ऐसे थ्री से वन पे जाने की भी वही होगी, थ्री से टू पे भी जाने की भी वही होगी, और थ्री से थ्री पे भी जाने की प्रोबेबिलिटी वन बाई थ्री होगी। इसी को हम लोग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि वन से वन पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वन अपॉन थ्री। वन से टू पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वन अपॉन थ्री। वन से थ्री पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वन अपॉन थ्री। टू से वन पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वन अपॉन थ्री। टू से टू पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वन अपॉन थ्री। टू से थ्री पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वन अपॉन थ्री। ऐसे ही थ्री से वन पे भी जाने की प्रोबेबिलिटी वन अपॉन थ्री, थ्री से टू पे भी जाने की प्रोबेबिलिटी वन अपॉन थ्री होगी, और थ्री से थ्री पे जाने की भी प्रोबेबिलिटी वन अपॉन थ्री होगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। जैसे पी आई जे, इसमें क्या है, नेक्स्ट एक्स एन इक्वल टू आई से जे पोजिशन पर वो जा रहा है, यानी कि आई से जे पोजिशन पर जा रहा है। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होती है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये आपकी स्टेट है, मान लीजिए ये एक्स नॉट स्टेट से एक्स वन पे जा रहा है और इसकी ये स्टेट है जीरो वन टू डॉट डॉट डॉट, और भी बॉक्सेस हैं जीरो वन टू डॉट डॉट डॉट। जीरो से जीरो पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी जीरो जीरो। जीरो से वन पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी जीरो वन। जीरो से टू पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पी जीरो टू। वन से जीरो पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन जीरो। वन से वन पे जाने की प्रोबेबिलिटी पी वन वन, ऐसे ही पी वन टू डॉट 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 डॉट। इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग
ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बात आती है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स की कंडीशन क्या क्या होती हैं। कंडीशन ये होती है इसकी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं वो सारी पॉजिटिव होती हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वैसे भी प्रोबेबिलिटी सारी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती हैं। और दूसरी ये मेन कंडीशन होती है कि इनके इनकी प्रोबेबिलिटी का रो का सम वन होना चाहिए, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ के रो का सम वन होना चाहिए, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ के रो का सम वन होना चाहिए, सारी प्रोबेबिलिटीज़ के रो का सम वन होना चाहिए, तो हमारी वो मैट्रिक्स ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स कही जाती है। अगर उनकी रोज और कॉलम्स दोनों की ही प्रोबेबिलिटी का सम वन हो तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग डबली स्टोकास्टिक मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए अब ये तो ठीक ठाक कॉन्सेप्ट था, अब हम एक एग्जांपल समझते हैं इस पे बेस। अब सबसे पहले ये दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, चेक करना है ट्रांजिशन मैट्रिक्स है या नहीं। अब सबसे पहले चेक करते हैं सारी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है या नहीं। हाँ सारी प्रोबेबिलिटी इसकी पॉजिटिव है। इसमें पी जीरो जीरो क्या है, पी जीरो जीरो 0.7 है, पी जीरो वन कितना दे रखा है 0.01, 0.2 दे रखा है, पी जीरो टू कितना दे रखा है, पी जीरो टू दे रखा है 0.1। अगर हम इस इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का रो सम करें यानी कि पी जीरो जीरो, पी जीरो वन, पी जीरो टू, अगर हम इन सबको हम ऐड करें 0.7, 0.2, 0.1 तो कितना आंसर आएगा 1। ऐसे ही इसको भी हम ऐड करेंगे कितना आंसर आ रहा है, इनका समेशन कितना आ रहा है 1, और इसको भी ऐड करें समेशन कितना आ रहा है 1। यानी कि ये हमारी कौन सी हो गई, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। अब सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाना सीख गए तो CSIR नेट में आने वाले लगभग सारे क्वेश्चन हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो बात आती है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनाया जाए, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी स्टेट हम ड्रॉ कर लेंगे। स्टेट हमारी कौन सी है, जीरो स्टेट, यहाँ हम लिख देंगे 1 और ये 2 स्टेट। तो देखते हैं 0 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.7, 0 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.7, 0 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2, 0 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2, 0 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1, 0 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1। अब 1 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, 1 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 से 0 पे मूव कराइए, 1 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, 1 से 1 पे तो है नहीं 0 है, 1 से 2 पे भी नहीं है 0, 2 से 1 पे जाने, 2 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, 2 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1। तो ये हमारा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बन गया। अगर ये आप बनाना सीख जाते हैं तो CSIR के लगभग आप सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। तो इसको और अच्छे समझने के लिए एक एग्जांपल हम और करते हैं। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स दे रखी है, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं ये हमारी ट्रांजिशन मैट्रिक्स है कि नहीं। तो देखिए 0.0 सारी प्रोबेबिलिटीज हमारी पॉजिटिव दे रखी हैं और उनके रोज़ का सम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, जो कि इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब चलिए हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेट हम ड्रॉ कर लेंगे, कौन कौन से स्टेट हैं, 0 स्टेट, 1 स्टेट एंड 2 स्टेट। अब देखिए 0 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.7, 0 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.7, 0 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3, 0 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3, 1 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1, 1 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1, 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3, 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3, 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6, अब 2 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1। ये हमारा बन गया स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। अगर ये आप सीख गए हैं तो लगभग CSIR नेट के
सारे सवाल आप कर लेंगे और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इस पे बेस क्वेश्चंस कैसे कैसे वहाँ पूछे जाते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं आपको हम वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।